संविधान का हम लोग अगला हिस्सा के ऊपर चर्चा करें ठीक है अगला हिस्सा मतलब हमारा है कि हम एक नया चैप्टर अब शुरू करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बाद और वो है आपका भाग पाँच ठीक है भाग पाँच और भाग पाँच के अंदर में अध्याय चार ठीक है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट फाइव है ना? एंड एक्सरसाइज फोर ठीक है इस चैप्टर के अंदर में जो आर्टिकल समाहित किया गया है वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में इसकी चर्चा की गई है ठीक है और ये कुछ नहीं है एक्चुअली हम यहाँ पर हम लोग बातचीत जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय की है ना तो जो चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं वो चैप्टर है सर्वोच्च क्या न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ठीक है सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे ठीक है सबसे पहले बात तो आप यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है है ना उसकी स्थापना कब हुई इसके क्या प्रोसीजर है इसके क्या गठन है की प्रक्रिया है वो सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे तो जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अपनी जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी जो गठन हुई थी वो एक अक्टूबर 1937 ईस्वी इस को इसकी स्थापना हुई थी एक अक्टूबर 1937 ईस्वी को लेकिन उस समय इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय नहीं था बल्कि उस समय इसका नाम जो था वो था संघीय न्यायालय संघीय न्यायालय ठीक है तो एक अक्टूबर 1937 को और ये कौन से अधिनियम के तहत हुआ था तो भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ और आप जानते हैं कि उस समय जो भारत था उस समय ब्रिटेन के अधीन था ब्रिटेन के अंदर में कार्यरत था इसलिए ब्रिटेन का जो प्रीवी काउंसिल है समझ रहे हैं ब्रिटेन का जो प्रीवी काउंसिल है है ना ब्रिटेन का जो प्रीवी काउंसिल है ठीक है उसका भी ये विरासत माना जाता है मतलब कि का ही ये क्या था ये विस्तार था विस्तार क्योंकि ब्रिटेन के अंदर में जब भारत था तो ऑब्वियसली संघीय न्यायालय जो उस समय था वो प्रीवी काउंसिल के अंडर में काम करता था जिसकी स्थापना एक अक्टूबर 1937 को हुई इस शासन अधिनियम के तहत परंतु भारत में जो संविधान बनाई गई थी वो संविधान लागू कब किया गया 26 जनवरी 1950 को ठीक उसके दो दिन बाद समझ रहे हैं तो दो दिन बाद क्या हो जाएगा 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को यह जो आपका संघीय न्यायालय है यह न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो गया नहीं तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन स्थापना कब हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था और ये कुछ और नहीं था बल्कि संघीय न्यायालय का ही रूप था सर्वोच्च न्यायालय लेकिन इस डेट के पहले जो सर्वोच्च न्यायालय थी वो संघीय न्यायालय के रूप में काम कर रही थी इसके ऊपर प्रीवी काउंसिल था तो ये प्रीवी काउंसिल का ही विरासत धारण किया हुआ था समझ रहे हैं जिसके स्थापना इस तरीके से हुई थी ठीक अब जरा सा देखा जाए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी गठन कैसे कैसे हुई है इसके ऊपर हम लोग बात करें तो आर्टिकल जो 124 है वो सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करता है समझ तो रहे वन आर्टिकल 124, जो किसकी बात करता है ये बात करता है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का और जानते हैं इसमें कैसे बात किया गया है गठन के बारे में कहा गया है कि भारत का समझिएगा ये आर्टिकल एक के वन का भाषा भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा ये एक में इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि अपने यहां जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है एक है एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट नहीं है हाँ उसकी पीठ बनाई जा सकती है जो इसी के अंडर में काम करेगा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय एक से ज्यादा नहीं होगी आर्टिकल 124 में इस बात का स्पष्ट घोषणा किया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा मतलब एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका गठन जरा ध्यान समझिएगा ये बनेगा कैसे तो जिसका गठन जिसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश मतलब इसमें क्या होंगे एक मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश तथा समझने वाली बात यहां से है तथा जब तक संसद विधि द्वारा संसद विधि द्वारा संख्या नहीं बढ़ाई जाती संख्या नहीं बढ़ाई जाती तब तक सात अन्य न्यायाधीश होंगे न्यायाधीश होंगे इसका मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहली बात कि भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होगा और उस न्यायालय में एक ही मुख्य न्यायाधीश होंगे तो आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जो जज होते हैं उसको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है इसलिए इनको भारत का भी मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है तो भारत का सबसे बड़ा जज कौन होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको भारत का भी मुख्य न्यायाधीश कहा जा सकता है समझ गए तो एक तो होंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सबसे बड़ा जज एक होंगे इनके सहायक के रूप में और सात जज होंगे कब तक सात जज होंगे? जब तक संसद जो है वो विधि बनाकर के इस संख्या को नहीं बढ़ा देते तो संख्या किसकी बढ़ेगी अन्य न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश एक ही रहेगा सर्वोच्च न्यायालय भी एक ही रहेगा लेकिन जब तक संसद नियम नहीं बनाती है तब तक सात ही अन्य न्यायाधीश होंगे और इसके बाद अगर ये विधि बना करके अगर बढ़ा सकती है तो फिर सात से सा इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी इसका मतलब शुरू शुरू में अगर देखा जाए अपने यहाँ संविधान जो बनी थी तो एक मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश तो टोटल का संख्या कितना हो गया एक प्लस सात इज्क्ल टू कितना आठ इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय में आठ न्यायाधीश से ज्यादा नहीं होंगे जब तक संसद कोई विधि का निर्माण करके अन्य न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ाती तो यहाँ दो बात खास समझने का है कि जजों के संख्या को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है यहां पर सिर्फ संसदीय विधि से बढ़ जाएगी मतलब संसद जो है वो विधि का निर्माण करके और जजों की संख्या को बढ़ा सकते हैं इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है तो आपसे अगर पूछा जाए कि जजों की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाने की बात की गई है वो कैसे की गई है संसदीय विधि के द्वारा कि संविधान संशोधन के द्वारा तो संसदीय विधि के द्वारा संविधान संशोधन यहां पर नहीं होगा समझ रहे है? तो जरा सा देखिएगा कि ये जो बात की गई है अच्छा इतने इसी को बोलते हैं हम लोग मुख्य न्यायाधीश को ही क्या बोलते हैं सी जी सी जे आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश समझ रहे हैं तो सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश कह लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश कह लीजिए या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कह लीजिए वही सी जी आई है एक ही है और इसके अतिरिक्त सात अन्य न्यायाधीश होंगे कब तक जब तक संसद इसका विधि का निर्माण करके इसको नहीं बढ़ा देती तो ऐसा संविधान लिखने का जो है मूल संविधान में ऐसा चर्चा हुआ था तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में आज भी जजों की संख्या कितनी है तो मूल संविधान में आज भी जजों की संख्या आठ ही है तो फिर संख्या कैसे बढ़ गई तो वो संसदीय विधि के द्वारा बढ़ी है संविधान में जो लिखा था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है समझ रहे हैं? तो जरा सा देखिएगा कि मूल संविधान मूल संविधान मूल संविधान का मतलब जो शुरू में संविधान लिखी गई मूल संविधान में टोटल जज की संख्या कितनी है एक मुख्य न्यायाधीश प्लस सात अन्य बराबर कितना हो गया आठ इसको बढ़ाना होगा तो संसदीय विधि बनेगी तो अभी तक छह बार संसदीय विधि बना करके और जजों की संख्या को बढ़ा दी गई है सबसे पहली बार जो संसदीय विधि बनी वो 1956 में बनी तो 1956 में संसदीय विधि बना करके और क्या कर दिया गया बना करके कर दिया गया एक मुख्य न्यायाधीश और तीन इसमें बढ़ा दिए गए तो कितने हो गए दस क्यों भी जानते हैं ना कि मुख्य न्यायाधीश हमेशा एक ही रहेंगे बढ़ेंगे कौन अन्य न्यायाधीश तो एक प्लस दस कितने हो गए ग्यारह तो उन्नीस सौ छप्पन से फिर ग्यारह न्यायाधीश काम करने लगे फिर संसदीय विधि में चेंज हुआ उन्नीस सौ साठ में उन्नीस सौ साठ में चार साल बाद फिर जजों की संख्या बढ़ाई गई जजों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है क्योंकि आप जानते हो जैसे जैसे हम लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं समस्याएं पैदा हो रही है वैसे वैसे सर्वोच्च न्यायालय पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है तो वर्कलोड जब बढ़ता है तो जजों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो संसदीय विधि तो तो हो गया एक प्लस तीन कितना हो गया चौदह इसकी संख्या कभी नहीं बढ़ेगी ध्यान रखिएगा सीजीआई एक ही रहेंगे अन्य न्यायाधीश की संख्या बढ़ेगी अगला फिर कब हुआ उन्नीस में उन्नीस में चौदह से कर दिया गया अठारह मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश और सत्रह अन्य टोटल कितने हो गए अगली बढ़ी कब अगली बढ़ी उन्नीस में उन्नीस में अठारह से सीधा छब्बीस कर दिया गया तो 26 कर दिया मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश कितने हो गए 26 जज हो गए ठीक इसके बाद जो है वो 2008 में फिर से संसदीय विधि बना के जजों की संख्या बढ़ा दी गई और 26 से 31 कर दिया गया तो ये कितने हो गए प्लस कितने जज हो गए और लास्ट जो आया है संसदीय विधि परिवर्तन हुआ है उन्नीस में अभी अभी तो जजों की संख्या कर दी गई चौंतीस मतलब वन प्लस तैतीस कितने चौंतीस तो वर्तमान में जो देखा जाए तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल जज कितने हैं चौतीस जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और तैतीस अन्य न्यायाधीश यह जो संख्या बढ़ाई गई है वो संसदीय विधि 2019 में बढ़ाई गई है संसदीय विधि के माध्यम से समझ रहे तो अभी तक टोटल कितने बार जजों की संख्या बदल दी गई है छ बार समझ रहे तो छह बार जजों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है तो ये संसद जन जो जनसंख्या बढ़ी है वो कैसे बढ़ी है संसदीय विधि के द्वारा तो संसदीय विधि मतलब मूल संविधान में अभी भी कितना है आठ ही है तो मूल संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा बस संसद में विधि बना बना के बढ़ा सकते हैं आप समझ रहे तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मतलब आज के डेट में मूल संविधान में कितने जज हैं तो आठ लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में आज के के डेट में कितने जज हैं तो तो बोलेगा ऐसे कैसे तो बोलना संसदीय विधि द्वारा बढ़ाई गई है समझ गए आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी समझ रहे अगला देखिएगा और अगला है गठन तो समझ ही गया मतलब अभी अगर आपसे पूछा जाए जा तो क्या कहोगे कि टोटल चौतीस जजों से मिलकर के सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है और यह जो गठन है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तैतीस अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान स्थिति यह है अब जरा सा समझिएगा वो क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कैसे होती है न्यायाधीश की क्या नियुक्ति इसका मतलब अपॉइंटमेंट है ना अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ क्या जजोज़ की अपॉइंटमेंट कैसे होती है उसकी चर्चा देखी जाए तो जजों के नियुक्ति के संबंध में जो इसकी चर्चा आई है वो आर्टिकल 124 का दो में आया है इसको जरा देखिएगा आर्टिकल 124 का दो जो है वो जजों के नियुक्ति की बात करता है कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा आर्टिकल 124 का दो कहता है कि अगर बात रही सी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कि अगर नियुक्ति करनी हो तो नियुक्ति की प्रोसीजर क्या होगा सो देखिएगा इसकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति ये जो है ये ये वर्तमान की भाषा नहीं है ये याद रखिएगा 124 में जो लिखा हुआ है उसकी भाषा है फिर इसके ऊपर मामला चलेगा तो वर्तमान में कुछ और कंसेप्ट बन के आएगा तो ये पुरानी भाषा है जिस समय संविधान में लिखी गई थी वो वाला सौ तो चौबीस के दो में मूल संविधान का भाषा क्या था मूल संविधान का भाषा था कि राष्ट्रपति जो है वो सीजे का अपॉइंटमेंट करेंगे लेकिन सवाल यह है कि सीजे किस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे तो इसके लिए जानते हो क्या व्याख्या दिया हुआ है इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय में और जो अलग न्यायाधीश हैं वो हैं तो, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समझ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्या न्यायाधीश प्लस क्या उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय समझते हैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब जरा सा यहां यह समझने वाली बात है कि अपने देश में तो बहुत सारे हाई कोर्ट हैं हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है कुछ एक हाई कोर्ट जो है वो कई स्टेट का भी काम कर रही है लगभग आज के डेट में पच्चीस कोर्ट है अपने देश में तो अपने देश में 25 हाई कोर्ट हैं समझ रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है तो सवाल है क्या सभी से राष्ट्रपति सलाह लेंगे नहीं यही समझने वाली बात है इसकी भाषा एक सौ चौबीस का दो राष्ट्रपति जिस न्यायाधीश को इस लायक उपयुक्त समझेंगे उसी से सलाह लेंगे और वो न्यायाधीश कहां का होगा तो सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो राष्ट्रपति का मन हो गया कि हमें सीजीआई अपॉइंट करना है तो वो क्या करते हैं अपने पसंद का कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट में है उससे उठा लेते और कोई हाई कोर्ट का जो पसंदीदा जज है उसको उठा लेते और उसी से सलाह लेकर के उसको अपॉइंट कर देते तो एक का भाषा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर में जितने भी जज हैं उसमें से जिसको राष्ट्रपति उपयुक्त तो समझेंगे समझ रहे हैं इस लायक समझेंगे उसी से सलाह लेकर के और सीजीआई किसको अपॉइंट किया जाए है ना उसके सलाह पर अपॉइंट कर देंगे लेकिन यहां मसला ये उठ करके आता है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को चुनेगा सलाह के लिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति को अच्छा लगेगा तो फिर यह व्यक्ति जो है यह जज जो है वो उसी व्यक्ति का नाम सुझाएगा जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहते हैं और राष्ट्रपति वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहता है तो स्थिति क्या हो जाता कि प्रधानमंत्री जिसको पसंद कर लेता सीजीआई वही बन जाता और फिर जो सीजीआई है वो प्रधानमंत्री का क्या तोता बन जाता जो सरकार करती उसमें ये हाँ हाँ करता जनता के अधिकार छीन लिया जाए तो छीन लिया जाए नहीं जनता के अधिकार को कम कर दिया जाए तो कम कर दिया जाए नहीं जो चाहती वो कर लेती और सीजीआई हा हा करता समझ रहे हैं? तो इसी बात को लेकर के जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में कई बार ये मामला उठा कि ऐसे तो सरकार के चमचा व्यक्ति सीजीआई जाए बन जाएगा नहीं और यह जो मामला जो उठे हैं इस मामला में समझ रहे हैं इस मामला में दो बात बड़ा मजेदार रहा सबसे बात यह कि इन लोगों से क्या करेंगे राष्ट्रपति बोलो परामर्श करेंगे परामर्श समझते हैं सलाह यानी ये लोग जो परामर्श देगा उसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे और दूसरा जिनको पसंद होगा राष्ट्रपति जिनको मानेंगे उस लायक उसी से क्या करेंगे बोलो परामर्श लेंगे तो सबसे बड़ा सवाल गया कि सबसे पहली सवाल तो ये सुप्रीम कोर्ट में सवाल गया कि ये लोग जो परामर्श देंगे क्या ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा मतलब जो ये लोग परामर्श देंगे वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा या राष्ट्रपति की उसमें भी मर्जी है पहला सवाल दूसरा सवाल कि राष्ट्रपति जो ये सलाह के लिए जो इनको चुनते हैं समझ रहे हैं इसमें कितने लोग होंगे और कौन लोग होंगे ये दो सवाल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में गया कि परामर्श जो है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है कि नहीं मतलब ये लोग जो सलाह देंगे वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा या उसको भी राष्ट्रपति इग्नोर कर सकते हैं और दूसरा ये जो सलाह के लिए चुनेंगे तो कितने लोगों को चुनेंगे और वो लोग कौन होंगे ये दो सवाल गया इन्हीं दो सवालों ने जो है वो 124 के भाषा को क्या कर दिया बोलिए थोड़ा सा अलग रूप दे दिया समझ रहे हैं और इसी का जवाब जो है वो दो बार आया एक आया 1982 में एक आया 1993 में, में और एक आया 1900 कितने में अंठानवे में तो सर्वोच्च न्यायालय तीन बार इस मसले पर अपनी राय दे चुकी सबसे पहला जो राय दिया उन्नीस में यह राय जानते हो क्या था कि यह जो ये लोग परामर्श देंगे वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा इसका मतलब क्या समझते हैं आप इसका मतलब आपको यह समझना होगा कि ये लोग जो परामर्श देंगे राष्ट्रपति उसको भी इग्नोर कर सकते हैं जैसे आप सोच लो कि मान लो कि राष्ट्रपति ने दस जजों को चुन लिया अब बोला बताओ भाई सीजीआई किस को अपॉइंट कर दें तो इन लोगों ने कहा कि एक्स को अपॉइंट कर दो लेकिन राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने कुछ और सलाह दिया था कि किसी भी कीमत पर ए को अपॉइंट करना है क्योंकि वही हमारा चमचा है तो राष्ट्रपति कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं क्योंकि बेरासी में क्या है कि ये बाध्यकारी नहीं है मतलब ये जो परामर्श देंगे राष्ट्रपति उसको मानने से मना भी कर सकते हैं तो कहेगा नहीं यार एक्स नहीं जब तक ए का नाम नहीं आ जाता तब तक ये नाना करते रहेंगे उन्नीस तो सौ में राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन यही था समझ रहे हैं कि जो ये परामर्श जो दिया जाएगा वह बाध्यकारी नहीं है लेकिन उन्नीस के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इसी मसले के ऊपर है ना उसमें अपना डिसीजन को उलट दिया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को जो सलाह दिया जाएगा जजों के द्वारा समझ रहे हैं वह जो सलाह है वह जो परामर्श है वह बाध्यकारी होगा समझ रहे हैं मतलब कि यह सलाह को राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा ताकि कार्यपालिका का हस्तक्षेप सॉरी न्यायपालिका पालिक, कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में ना हो और न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम करे तो यह लोग जो जज लोग परामर्श देंगे वो इनके लिए बाध्यकारी होगा लेकिन यह जो परामर्श देगा कौन वो मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्याय क्या प्लस दो वरिष्ठ जज इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पास जो अब परामर्श जाएगा ये उन्नीस गया 1993 में कहा गया कि हाईकोर्ट से इसके लिए सलाह नहीं किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय से ही सलाह लेना पड़ेगा और यह सलाह देने वाले तीन लोग होंगे एक होंगे मुख्य न्यायाधीश और दूसरा होंगे दो वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश और ये दो वरिष्ठ न्यायाधीश जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट करेगा उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा समझ रहे हैं और ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है ये तीनों जिसका नाम बताएंगे उसी को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति अपने मर्जी से नाम चेंज नहीं कर सकते तो उन्नीस में कंसेप्ट बना दिया फिक्स कर दिया

अन्य न्यायाधीशों की परामर्श कितने लोग मिलकर करेंगे तीन लोग मिलकर करेंगे दो वरिष्ठ और एक मुख्य न्यायाधीश और ये जो सलाह देंगे वो बाध्यकारी है राष्ट्रपति पर उसी को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा अपने मर्जी से राष्ट्रपति ना नहीं कह सकते या ये भी नहीं कह सकते कि फिर से विचार कर लो जो नाम दे दिया उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा समझ रहे हैं अब अगला क्या हुआ स्थिति कुछ इस पर और मामला आ गया कि जरा सा यह बताइए कि अगर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श दे दे और यह परामर्श जो है वो इन्होंने दो वरिष्ठ न्यायाधीश से नहीं किया था और इनको झूठ झूठ कह दिया क्या कह दिया कि हाँ हमने परामर्श कर लिया उस व्यक्ति को अपॉइंट कर दो और इस व्यक्ति से पूछा भी नहीं गया इन दोनों वरिष्ठों से मुख्य न्यायाधीश अपने मर्जी से नाम भेज दिया तो क्या ऐसा राय मानना जरूरी है राष्ट्रपति ने यह सवाल पूछा आर्टिकल 143 का यूज करते हुए आप जानते हैं कि आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि अगर उनको सर्वोच्च न्यायालय से कोई सलाह चाहिए तो वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मुख्य न्यायाधीश दोनों न्यायाधीशों से बिना विचार विमर्श भी किए अगर किसी नाम को हमारे पास भेज दें तो क्या मैं इस बात को मानने के लिए बाध्य हूं इसी समस्या का समाधान करने के लिए उन्नीस में तीसरा डिसीजन आया जो आज के डेट में लागू है तो वर्तमान में जज की नियुक्ति ऐसे होती है समझ रहे तो उन्नीस में जो पीठ बैठी क्योंकि राष्ट्रपति ने सलाह मांगा इनको सलाह देने के लिए नौ जजों की पीठ बैठी मतलब नौ न्यायाधीश का एक बेंच लगा और नौ न्यायाधीश जो है वो नौ टू जीरो से ये सजेशन दिए मतलब पूरी सहमति से नौ में नौ लोग एग्री हुए एक भी विरोध में नहीं था नौ के नौ के सहमति के साथ राष्ट्रपति को राय भेजा गया और राय क्या भेजा गया इस पर सो देखेगा कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी यह जानते हो रहा क्या है सबसे पहली बात उन्नीस के अनुसार कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा सी जो होगा समझ रहे हैं वो तो जो सबसे वरिष्ठ होगा ना वही बनेगा उसके लिए नाम सजेस्ट करने की जरूरत है नहीं जो सबसे वरिष्ठ होगा जो सबसे सीनियर होगा वो क्या बनेंगे सी बन जाएंगे इसके लिए तो आपको नाम चाहिए नहीं जो सबसे सीनियर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यहाँ सबसे सीनियर जज यही है तो सी वही बनेगा नहीं समझे और ये सीजीआई तब तक बने रहेंगे जब तक इनका पैंसठ वर्ष उम्र पूरा ना हो जाए तो जब तक पैंसठ वर्ष इनका उम्र पूरा नहीं हो जाता तब तक वो सीजीआई रहेंगे अगर वो हो गए पैंसठ साल में वो रिटायर हो जाएंगे रही बात अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए देखिए क्या, क्या क्या कहा गया पहला चीज कि यहां पर क्या कहा गया था कि दो न्यायाधीशों से पूछा जाएगा किसमें तिरानवे के निर्णय में यहां पर कहा गया ना अब जो है वो क्या होगा बोलिए अब जो है वो कॉलेजियम सिस्टम चलेगी रहे हैं। क्या कॉलेजियम सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम का मतलब क्या कुछ जजों का यहां पर क्या होगा ग्रुप होगा और वो कितने लोग होंगे तो चार वरिष्ठ जज मतलब जो जज पहले से सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं तो एक तो सीजीआई हो गए सबसे सीनियर क्या होते हैं बताओ सीजीआई तो एक तो सीजीआई और उनके बाद जो चार मोस्ट सीनियर है ये पांच लोगों का जो ग्रुप है उसको कॉलेजियम कहा जाएगा समझ रहे हैं ये कॉलेजियम होगा तो कॉलेजियम में टोटल पांच जज होंगे सीजीआई प्लस चार वरिष्ठ जज समझ रहे हैं ये चारों के सहमति से सहमति समझते हैं मतलब यहाँ पर वोटिंग की जरूरत नहीं है अगर इन पांच में से अगर दो व्यक्ति भी डिसएग्री हो गया कि नहीं नहीं उस नाम के साथ हम सहमत नहीं है तो वो नहीं भेजा जाएगा मतलब यहाँ पर बात सहमति की होगी वोटिंग की नहीं जिस नाम पर ये पांचों लोग एग्री होंगे वही नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा समझ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो कॉलेजियम होगा और कॉलेजियम में पांच जज होंगे जिसमें से चार मोस्ट सीनियर जज और एक सी ये लोग अपने सहमति के साथ जिस नाम पर एग्री होंगे उसी नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और यह जो नाम भेजा जाएगा वो लिखित भेजा जाएगा मतलब ओरली नहीं भेजा जाएगा रिटेन में भेजा जाएगा और मज़ेदार बात यह है कि जो ये लिखित भेजा जाएगा सलाह वो सी के द्वारा भेजा जाएगा लेकिन सी ने क्या लिख के सलाह दिया है और इन चारों ने क्या लिख करके सलाह दिया है ये पांचों लिखित भेजा जाएगा ताकि राष्ट्रपति का तो यही तो मसला था कि अगर सी बिना सलाह लिए भेज दे तो हम क्या करें इसीलिए यहां नियम बना दिया कि पांचों के द्वारा लिखित सलाह को पिन करके साथ में इकट्ठा भेजा जाएगा समझ गए और अगर इसमें से सहमति नहीं है दो लोग भी डिसएग्री हैं तो वो नाम नहीं भेजा जाएगा और अगर इन लोगों ने क्या किया है लिखित सलाह नहीं भेजा है या उसमें डिसएग्रीमेंट है तो राष्ट्रपति इनके सलाह को मानने से इनकार कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति अपने मर्जी से किसी को अपॉइंट भी नहीं कर सकते जब तक ये सहमति से नाम को नहीं भेज देते समझ रहे हैं तब तक जो है वो क्या होगा बताइए अपॉइंटमेंट नहीं तो अपॉइंटमेंट अब ऐसे होती है ये कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर ये लोग जिसको नाम डिसाइड करते हैं वही लोग यहां पर आकर के क्या होते हैं जज बनते हैं अब जरा सा एक चीज और समझिएगा कि यहां पर डिसएग्री होगा कैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये बड़ा बुरा सिस्टम है वैसा देखा जाए तो क्या देखा जाए कि ये लोग मान लो कि दस जज की वैकेंसी वहाँ है और ये पांच लोगों की सलाह चाहिए तो ये आपस में लड़ते रहेंगे कि वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है तो ये क्या करते हैं आपस में दो दो सीटें बांट लेते हैं कि चलो दो व्यक्ति मैं चुन लेता हूँ दो आप दो आप दो आप दो आप दो आप और हम सब इस पर एग्री होकर नाम को भेज देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर परिवारवाद आज के डेट में आप लोग कहते हो ना कि राजनीति में नेपोटिज्म है कहते हो ना कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है क्यों मुलायम सिंह यादव ने अपना बेटा को बना दिया लालू यादव ने अपना बेटा को बना दिया अमिताभ बच्चन अपना बेटा को हीरो बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं हर कोई अपना जनरेशन और परिवार को मदद करने में लगा हुआ है क्वालिटी कोई नहीं देखता तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी तो है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में परिवारवाद नहीं है क्या तो आप लोग जो कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट जो है वह इस पर फैसला क्यों नहीं लेती कोर्ट इस पर डिसीजन क्यों नहीं देती अरे भैया सबसे ज़्यादा परिवारवाद तो यही है इसीलिए कहा जाता है कि अगर पूरा आप सुप्रीम कोर्ट को स्टडी कर लो तो आप पाओगे कि सौ परिवार के ही जज यहां बने हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले सौ परिवार के ही लोग हैं एक सौ एकवा परिवार आपको नहीं मिलेगा हर जज जो है वो एक दूसरे का क्या है रिश्तेदार है कारण क्या है क्योंकि यहां पर भी परिवारवाद है क्योंकि सिस्टम क्या है कॉलेजियम है समझ रहे हैं तो कॉलेजियम सिस्टम जो है वो इस आधार पर अब वहां पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है इसके ऊपर जब सरकार ने प्रहार करने का प्रयास किया आगे पढ़ाएंगे इसके क्या क्वालिफिकेशन होती है और सरकार ने क्या करने का प्रयास किया तो आपको पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया बोला कि नहीं यही सिस्टम ठीक है समझ रहे हैं? तो अब जरा सा देखिएगा कि जो अब नए जजों की अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है वो फिलहाल इस तरीके से चल रही है ठीक है